हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। जय हिंद सबको पहले तो। और मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ यार। कैमरा थोड़ा फेस करने के लिए भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि आदत हट चुका था ना। तो एनीवे, काफ़ी सारे भाई लोग ने मुझे बहुत सारे जवाब क्वेश्चंस पूछे थे जिसका मैंने कमेंट में आंसर दे देता था और इंस्टा में भी दे रखा है, जो जी जिसने मुझे इंस्टा में फॉलो किया और जो भी डाउट वगैरह पूछे थे। और अगर आप लोग ने भी इंस्टा में अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो गाइस। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था इंस्टा का, तो फॉलो कर देना उसमें भी। तो आज का रूटीन देखते हैं क्या होता है फिलहाल। और सुबह छुट्टी था थोड़ा आज, तो थोड़ा लेट में उठा फिलहाल। अभी सुबह के 6:30 हो चुका है और लेट उठा, नहीं तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए तो जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर आज का रूटीन आपको दिखाऊंगा क्या कुछ होता है, जो भी होता है व्लॉग में आपको पता चलेगा आगे। तो पहले फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो रहा है, ब्रेकफास्ट खाएंगे, फिर उसके बाद आगे का रूटीन फॉलो करेंगे। सो गाइस, अभी फ्रेश वगैरह हो के ब्रेकफास्ट वगैरह खा के मैं अपने काम पे आ चुका हूँ। काम यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम है हमारा, जो कि जिस काम के लिए आए थे, जिस ड्यूटी के लिए आए थे, वो ड्यूटी करना है अभी। और एक दो सब्सक्राइबर ने जो पूछा था कि फैमिली क्वार्टर के बारे में वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, तो फैमिली क्वार्टर ऐसा होता है जहाँ पे भी आपका ड्यूटी होगा वहाँ पे अगर फैमिली क्वार्टर अवेलेबल है तो आपको, आप अपने फैमिली को साथ में रख के ड्यूटी कर सकते हो वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी आया हूँ यहाँ पे भी काफ़ी सारे फैमिली क्वार्टर है, तो कई लोग अपने फैमिली को साथ में रख के ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो उसके लिए जब आप भर्ती हो जाओगे तो आप भी अपना लोकेशन अनुसार जहाँ पे अवेलेबल होगा क्वार्टर वहाँ पे आपको क्वार्टर मिल जाएगा और अपने फैमिली को साथ में रख के आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ पे कुछ काम है गाइस। यहाँ पे जो गाड़ी वगैरह दिख रहा है आपको, वो गाड़ी में सामान है हमारा, वो गाड़ी ख़राब हो गया है, तो उसको दूसरे वाली गाड़ी में उसका सामान पूरा शिफ्ट करके उसको फिर डिपॉजिट करने के लिए जाना है। वही है आज का काम मेरा हमारा। देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर आगे फिर जो भी होगा आगे आपको देखते जाएगा। और इधर का लोकेशन आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, बहुत ही ठंडा लगा मेरे को यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे जो हमारा मेन जहाँ से हम आए थे वहाँ पे इतना खास ठंडा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ का लोकेशन। वो देख रहे हो गाइस, जो वो पहाड़ है ना वहाँ पे, वो जितने भी पहाड़ है वहाँ से इतना दिखाई दे रहा है इतना लंबा तक, वहाँ पे बर्फ़ गिर, अभी ठंडे के टाइम में कुछ दिन बाद वहाँ पे बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है, तो बर्फ़ दिखाई देता है वहाँ पे, पूरा सफ़ेद होके पूरा ढक जाता है वो बर्फ़ से। और जैसे कि जो वो नीचे फैमिली लाइन है, फैमिली क्वार्टर वगैरह इस तरीके का अवेलेबल होता है। ये पूरे फैमिली क्वार्टर है नीचे तक है काफ़ी, जो कि अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, मैं टॉप में हूँ तो हिली एरिया है ये लोकेशन। और वो नीचे साइड में भी, और उसके भी नीचे 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 भी क्वार्टर वगैरह और भी है, फैमिली क्वार्टर वगैरह। तो हमारे सर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चलते हैं अभी उनके साथ, उनके पास, और आगे का काम जो भी होगा वो करेंगे। ठीक है गाइस, तो सो गाइस, अभी सीन ऐसा हुआ, जो काम के लिए जम गए थे वो काम नहीं हो पाया, अभी वो काम नहीं होगा बोला, तो दूसरा काम करने के लिए बता दिया। फौज में यार मिनट मिनट में हुकुम चेंज होता है, जो हुकुम मिलता है वही करना पड़ता है ना। तो अभी जा रहे हैं, जो काम अभी दूसरा काम के लिए बोला वो काम करेंगे, और वो काम करने के बाद देखता हूँ वहाँ पे अगर वीडियो शूट करने का सिचुएशन हुआ तो वीडियो बनाते रहूँगा, वरना नहीं हुआ तो फिर नहीं बना पाऊँगा। तो उसके लिए फिर जब आगे वीडियो कुछ भी शूट करूँगा तो दिखाऊँगा मैं आपको। फिलहाल अभी यहाँ से निकल गया हूँ, जिस जगह मैं दूसरा काम के लिए बुलाया था, तो आगे सर लोग चले गए और मैं भी जाके फिर वो काम करेंगे, उसमें अगर सिचुएशन हुआ तो वीडियो शूट करूँगा गाइस। ठीक है, चलो। जो ऊपर में दिखाई दे रहा है वो है बैरिक वगैरह, उस तरीके का बैरिक होता है ना, तीन तीन मंजिल वाला इस तरीके का बैरिक होता है हमारा। तो यार तो कुछ सब्सक्राइबर ने ऐसा भी बोला था कि भैया आप लोग असम राइफल सिर्फ जंगल में ड्यूटी करते हो क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब डीमोटिवेट करते हैं कोई कोई आप लोग को। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको जो भी भाई लोग भर्ती होना चाहते हैं उसको एक मोटिवेट करने के लिए, उनको मोटिवेट हो ताकि फौज में भर्ती जिसका जुनून है होने का उसको हेल्प मिले। तो इस तरीके का नहीं है जंगल, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। वो पहले पहले था जैसे असम राइफल ऐसे थे, तो अभी तो बहुत डिफरेंस है। आप जब भर्ती होगे तो खुद आपको महसूस होगा, पता चलेगा, क्योंकि देख लोगे आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, जंगल में ड्यूटी होता है ऐसा, मतलब कभी कभार जाना पड़ता है, तो वो तो हर कहीं ऐसा है, इंसर्जेंसी इलाका में जाना पड़ता है। तो क्या, तो इस तरीके का आपको रहने के लिए बैरिक वगैरह मिलता है, तीन तीन चार चार मंजिल का। ठीक है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि जो
खाली जंगल में रहता है असम राइफल बोल के। तो ये चटनी बना दिया, इसमें सब्जी है, नीचे रोटी है, फिर उसके नीचे चावल है और ये दाल है। ठीक है, तो सर लोग भी आ गए, अब खाना वगैरह खाएंगे हम, फिर उसके बाद देखते हैं। शाम को ड्यूटी भी है, ड्यूटी जाना पड़ेगा, तो फिर मिलेंगे शाम को। सो गाइस, कल शाम को ऐसा हुआ, ड्यूटी था रात को तो चला गया ड्यूटी में, और इधर में लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है, लाइट नहीं था कल से और अभी भी नहीं है। तो रात को फिर जनरेटर में चार्ज किया था, इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाया। अभी जा रहा हूँ ड्यूटी, कल रात शाम को रात को आया था ड्यूटी के लिए, और ड्यूटी में ऐसे बेडिंग लेके जाना पड़ता है गाइस। उसके बाद अभी तो गाइस मैं अभी हथियार वगैरह जमा करके अपने रूम में जा रहा हूँ। एंड यार काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि वीडियो अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग ने देख लिया है। और लाइक होने से ऐसा होता है कि एक मोटिवेट मिलता है कि और वीडियो आप लोग के लिए दूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।